और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, अशरफ के साले सद्दाम पर बढ़ाई गई इनाम की राशि। सद्दाम पर 25,000 से बढ़कर 50,000 इनामी राशि कर दी गई है। आईजी राकेश सिंह ने 50,000 इनाम की घोषणा की। बिथरी चैनपुर थाने में सद्दाम पर मुकदमा दर्ज है। सद्दाम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। बरेली से बड़ी खबर है, अशरफ के साले सद्दाम की हम बात करें, जिसकी इनाम की राशि बढ़ाई गई है। 25,000 से बढ़ाकर इसे 50,000 कर दिया गया है। आईजी राकेश सिंह ने यह इनामी राशि बढ़ाई है। बिथरी चैनपुर थाने में सद्दाम पर मुकदमा भी दर्ज है। जो लोग सद्दाम को देखें या सद्दाम के बारे में कोई सूचना मिले तो उसे इनाम दिया जाएगा। 25 से बढ़ाकर 50,000 इनाम राशि की गई और साथ ही उनकी पहचान भी छिपाकर रखी जाएगी। आईजी राकेश सिंह ने 50,000 इनाम की घोषणा की है। बिथरी चैनपुर से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सद्दाम अशरफ का साला है, 25,000 से बढ़कर 50,000 हो गया है इनाम सद्दाम पर और आईजी राकेश सिंह ने 50,000 इनाम की घोषणा की है। जितनी भी कड़ियां हैं, जितने भी लोग हैं इस हत्याकांड से जुड़े, सबका धरा जाना, सबका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, तभी एक के बाद एक परत खुलेगी इस पूरे मामले की, इस हत्याकांड की और साथ ही उमेश पाल हत्याकांड की। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब कोर्ट में दोनों भाइयों की पेशी के लिए ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को और अशरफ को। हालांकि बार बार अपनी जान जाने की आशंका जताई गई थी अतीक अहमद की तरफ से और एक चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को अतीक अहमद की पत्नी ने भी लिखी थी, जिसमें पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही किसी बीजेपी के नेता का भी जिक्र उस लिस्ट में, साथ ही उस चिट्ठी में किया गया शायस्ता परवीन द्वारा। तो आईजी राकेश सिंह ने 50,000 इनाम की घोषणा कर दी है। पहले राशि 25,000 थी, अब ये 50,000 कर दी गई है। बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है सद्दाम के खिलाफ। मनोहर मेरे सहयोगी मुझे और जानकारी देंगे। मनोहर, सद्दाम से मुतल्लिक कुछ खंगाल पा रहे हैं आप, इनामी राशि बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले 25,000 का इनाम था और आज 50,000 का कर दिया गया है। दरअसल सद्दाम अशरफ का साला है और महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस में, अशरफ और अधिक से जुड़े मामले में। तो ऐसे में पुलिस को इसकी तलाश है और पिछले जब से उमेश पाल कांड हुआ है तब से पुलिस लगातार तलाश रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पता चल पाया है। आज आईजी राकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो 25,000 का इनाम था वो 50,000 का कर दिया गया है, NBW वारंट उसके खिलाफ जारी हुआ है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आई है। जी वेदी।